नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू हो चुका है। अभिभाषण के लिए पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने राज्यपाल का स्वागत किया। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आदरणीय सभासदों, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विशेष सत्र तथा वर्ष 2020 के प्रथम सत्र में मैं आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबों का तथा आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को वर्ष 2020 के दौरान खुशहाली एवं समृद्धि के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि नया वर्ष हमें जनसेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। जैसा आप सबों को विदित है कि संविधान में 126वां संशोधन विधेयक 2019 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। इस संविधान संशोधन विधेयक का भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 खंड 2 डी के अंतर्गत विधानसभा द्वारा अनुसमर्थन करने हेतु विचार किया जाना है और इस संबंध में लिए गए निर्णय से राज्यसभा सचिवालय को समयबद्ध रूप से अवगत करवाना जाना है। चूँकि यह सत्र एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, अतः मैं आज विस्तृत अभिभाषण नहीं करूंगा। मैं पटना विस्तृत अभिभाषण आगामी बजट सत्र में करूंगा। जय हरियाणा, जय हिंद।